Good morning, student. This is Nandita Singh from Lokmani Tilak School. I am going to explain you chapter 9 of English language. The chapter name is verbs, verb tenses. इसके first और second part मैंने आपको पढ़ा दिया था. There are three kinds of tenses: present, past and future. जिसमें मैंने आपको present, simple present और continuous और perfect, ये तीनों आपको बताए थे. Perfect tense आज पढ़ाना था. Present tense में आपको बता चुकी हूँ जो simple present tense होता है उसमें सिंगुलर नंबर के साथ वर्ब में एस या ईएस लगता है. फिर मैंने कॉन्टिन्यूस आपको पढ़ाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट टेंस में इज एम आर के साथ वर्ब में आईएनजी लगता है. फिर मैंने प्रेजेंट परफेक्ट आपको बताया था. आज हमारा परफेक्ट टेंस ही स्टार्ट होगा. पास्ट टेंस मैंने आपको बताया था जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है. सिंपल पास्ट टेंस में आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है सेंटेंस में. नेक्स्ट मैंने आपको पढ़ाया था पास्ट कॉन्टिन्यूअस जिसमें मैंने आपको बताया था कि वॉज वर्ब में वॉज वर्ब के साथ वर्ब में आईएनजी लग जाता है. फिर नेक्स्ट मैंने आपको बताया था फ्यूचर टेंस. फ्यूचर टेंस में मैंने आपको बताया था विल शैल आई वी के साथ शैल लगता है, बाकी सब के साथ विल लगता है. जब किसी श्योरिटी या कंफर्मेशन होता है सेंटेंस में तो हम आई वी के साथ भी विल लगाते हैं. आज है हमारा परफेक्ट टेंस. परफेक्ट टेंस में क्या होता है? द परफेक्ट टेंस शोज दैट एन एक्शन इज कंप्लीटेड बट दैट इज स्टिल हैज सम इम्पोर्टेंस इन द प्रेजेंट टेंस. कि इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या बताया जाता है कि हमारा जो एक्शन है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है लेकिन उसका प्रोसेस जो है वो प्रेजेंट टाइम में ही हो रहा है. तो कि जैसे कि आज मैंने ये काम कर लिया तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आएगा. अब जैसे कि दिया है ही हैज अचीव्ड, ही हैज अचीव्ड, वेट अ सेकेंड, He has achieved more than expectations. तो perfect tense और present perfect tense में हमारा क्या लगता है? Has, have plus verb की third form लगती है. Has यानी singular number के साथ आपका has लगता है plus verb की third form और plural number के साथ I, we, you, they के साथ हमेशा have लगता है, verb की third form लगती है. You have accomplished the task successfully. The present perfect tense refers to an action or a state that either occurred at an indefinite time in the past or began in the past and continued to the present time. The tense is formed by has and have the plus past participle. Present perfect tense एक ऐसे action या state को refer करता है, बताता है, show करता है जो कि indefinite time में हो रहा है. हमारा वर्क कंप्लीट हो चुका है लेकिन उसकी प्रोसेसिंग प्रेजेंट टाइम में हो रही है. इसमें हैज हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है. यूजेस ऑफ परफेक्ट टेंस टू एक्सप्रेस एन एक्शन जस्ट कंप्लीटेड. इट शोज एन एक्शन स्टार्टेड इन पास्ट एंड कंप्लीटेड एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग. हमारा एक्शन जो कि पास्ट में कंप्लीट हो चुका है लेकिन उसका कंप्लीशन हमारा प्रेजेंट टाइम में चल रहा है. स्पीकिंग उसके बारे में बातें अभी प्रेजेंट टाइम में हो रही है. मैन हैज वॉक्ड ऑन द मून. मैन हैज वॉक्ड ऑन द मून. आर पीपल हैव लर्नड अ लेसन. वी हैव टू से एन एक्शन हैपेंड एट एन अनस्पेसिफिक टाइम बिफोर नाउ. एक एक्शन जो कि प्रोसेसिंग में है और वो पहले हो चुका है. वी हैव विजिटेड द जू मैनी टाइम्स. आई थिंक आई हैव मेट हिम वंस. टू शो एक्सपीरियंस आई हैव बीन टू दिस प्लेस मैनी टाइम्स. दिस सेंटेंस मीन्स दैट यू हैव हैड द एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग एट दिस प्लेस. मे बी यू हैव बीन देयर वंस और सेवरल टाइम्स. यहाँ पर एक्सपीरियंस शो करने के लिए भी हैव बीन लगाया गया. टू टॉक अबाउट द ड्यूरेशन ऑफ समथिंग दैट इज स्टार्टेड इन द पास्ट इज स्टिल हैपनिंग. ऐसा
एक्शन जो कि जिसका ड्यूरेशन हमारा पास्ट से प्रेजेंट तक में है, जो कि अभी हो रहा है, उसके लिए भी हम हैज लगाते हैं। जैसे शी हैज हैड द चिकन पॉक्स सिंस ट्यूजडे, ट्यूजडे से उसको चिकन पॉक्स है। शी हैज हैड, हैज के साथ हैड लगा दिया क्योंकि पहले से, जैसे कि हमारे पास है कोई भी चीज, हमारे पास है, ये मुझे है, तो उसके लिए हैव हैज हैड लगाते हैं। और ये हमारा जो यहाँ पर परफेक्ट टेंस है उसके लिए हैज हैव अलग लगता है। तो यहाँ पर यही शो किया जा रहा है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या है। द फर्स्ट एलिमेंट इज हैज और हैव, डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट द वर्ब इज कॉन्जुगेटेड विद एग्जाम्पल वी हैव ईटन द डोसा हियर, हम यहाँ डोसा खा चुके हैं, जैसे कि कोई भी काम हो चुका है। द सेकेंड एलिमेंट इज द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब विच इज यूजली फॉर्म्ड बाई एडिंग ईडी। जैसा कि आपको पता है पास्ट पार्टिसिपल में हम या तो थर्ड फॉर्म लगाते हैं जो कि वर्ब को उसके स्पेलिंग को चेंज करता है, या फिर ईडी लग जाता है कुछ वर्ड्स में, जैसे वॉक्ड, लीन्ड, टाइप्ड, जम्प, लाफ्ड। ऑल्दो इंग्लिश डज हैव क्वाइट अ फ्यू वर्ब्स दैट हैव से इरेगुलर पास्ट पार्टिसिपल्स, कुछ ऐसे वर्ब भी हमारे होते हैं जिनमें वर्ड्स चेंज हो जाते हैं थर्ड फॉर्म में आने तक, जैसे डू डिड डन, से सेड सेड, गो वेंट गॉन, नो न्यू नोन, विन वॉन वॉन, थिंक थॉट थॉट, फील फेल्ट फेल्ट, और ईट ईट ईटन, ईट एट ईटन। तो इसी तरह हमने देखा कि वर्ब के तीन फॉर्म में हमारा कहीं पर ईडी या डी लग जाता है, कहीं पर वो पूरे वर्ड्स चेंज हो जाते हैं। आई हैव वॉक्ड ऑन दिस पाथ बिफोर। अब हम एक्सरसाइज में आएंगे, यहाँ पर एक्सरसाइजेस दी हैं, ये एक्सरसाइज आपको कॉपी में करनी हैज हैव वाली, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वाली आपको कॉपी में करनी है। एच एक्सरसाइज नेक्स्ट आई है, ये आपका होमवर्क है। इसमें क्या, इसमें सिंपली क्या करना है, जो भी सर्कल द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, इन दोनों में से जो ऑब्लिक करके दो वर्ब दिए हैं, इन दोनों में से जो भी इजी है, जो भी करेक्ट है उसको सर्कल करना है, बस और कुछ नहीं करना है। सेंटेंस के अकॉर्डिंग दो वर्ब में से जो वर्ब सही है, करेक्ट है, उसको सर्कल कर देना है। जैसे आई विल मीट, आई एम मीटिंग जेन इन टाउन टू नाइट। इसी तरीके से सेंटेंस आपके बहुत सारे हैं, 11 सेंटेंस हैं। आई विल मीट, आई एम मीटिंग, इन दोनों में से आई विल मीट होगा, आई विल मीट, मैं मिलूंगा आज रात को, मैं जेन से टाउन में मिलूंगा, तो मिलूंगा फ्यूचर में आ रहा है, आज रात को मिलूंगा, तो यहाँ पर विल हो जाएगा, आई विल या आई'ल मीट। इसी तरीके से आपके सेंटेंस जब आप पढ़ेंगे तो आपको ऑलरेडी समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो आई एक्सरसाइज आपका होमवर्क है, जे मैंने किया है, जे मैं आपको दिखा देती हूँ, इसको भी कॉपी में कर लीजिएगा, ये बिना कॉपी के समझ में नहीं आएगा। देखिए ये इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है आपकी जे वाली। इसमें क्या होता है, जैसे कि सेंटेंस दे दिया है, कोई भी सेंटेंस दिया है, सब ब्रैकेट में हमने लिख दिया कि किस टेंस में इसको चेंज करना है। कोई भी सेंटेंस दे दिया और कोई भी ब्रैकेट में हम टेंस लिख देंगे, सिंपल पास्ट है, प्रेजेंट है, फ्यूचर है, परफेक्ट है, कॉन्टिन्यूअस है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको सेंटेंस को चेंज करना पड़ेगा। इसके लिए आपको रूल्स लर्न करने पड़ेंगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फॉर्म लर्न करनी पड़ेगी। देखिए ये जे एक्सरसाइज मैंने कर दिया है, इसको आप कॉपी में कर लीजिएगा और थोड़ा सा फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिएगा कि कैसे क्या चेंज हुआ है। टेन सेंटेंसेस हैं आपके, को आप कॉपी में कर लीजिएगा। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है,
चलिए इस क्लास को यहीं एंड करते हैं, कल मैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ आपको मिलूंगी। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, गुड मैम। गुड डे।